स्टूडेंट, लास्ट पीरियड में मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। आज अपन इसका रिवर्स पढ़ रहे हैं कि अपने को रूट्स गिवन है, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो उससे रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, तो इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपना मेन हेडिंग है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से किया जाता है। अपने इससे पहले सॉल्व किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था उसको सॉल्व करते हैं, उसके थ्री मेथड्स मैंने बताए थे। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सेकेंड वन इज बाय फैक्टराइजेशन, एंड थर्ड वन द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आज अपन पढ़ रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस गिवन होते हैं, जो रूट्स होते हैं, वो गिवन है और अपने को रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है कि उसकी कौन सी इक्वेशन के जीरोस अपने को गिवन है। तो इक्वेशन का पता करने के लिए अपन एक फॉर्मूला काम में लेंगे। वो फॉर्मूला इस तरह से होता है, लेट जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। मैंने आपको बताया था फर्स्ट जीरो इज नोन बाय अल्फा एंड सेकेंड वन इज बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल के ऊपर दो पावर होती है, सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन होती है, तो उसके दो रूट्स आते हैं, दो आंसर आए थे अपने पास में सॉल्यूशन किया था जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। दैट मीन्स अपने पास में दो जीरोज है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर जीरोज, देन फर्स्ट जीरो इज अल्फा एंड सेकेंड जीरो इज बीटा। तो उस समय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच रूट्स आर अल्फा एंड बीटा गिवन बाय दिस फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय द गिवन वेरिएबल लेट एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो देखो, इस फॉर्मूले को इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल माइनस अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाय द वेरिएबल एक्स प्लस प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इस फॉर्मूले को दोनों सेंस में आपको याद रखना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो, और एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को याद रखना चाहिए। रूट्स की जगह पे आप जीरो वर्ड भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। तो अब देखो, इस फॉर्मूले से अपने को क्वेश्चन इस तरह से होता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरह से आता है मैं आपको बताता हूं। सपोज ये क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच जीरोज आर गिवन, विच जीरोज दैट मीन्स रूट्स आर नेगेटिव वन एंड प्लस टू लैट। अब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंस्ट्रक्शन करना है जिसके जीरोज आपको गिवन है, फर्स्ट जीरोज इज माइनस वन एंड सेकेंड जीरोज इज प्लस टू, ये दो जीरोज गिवन है। तो अपन को ये जानना है कि ये जो जीरोज है इसकी इक्वेशन कौन सी होगी। इक्वेशन होती है तो अपन थ्री मेथड से सॉल्व करते हैं, तो अपने पास फाइनली जीरोज आते हैं, उसके रूट्स आते हैं। अब यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट है, रूट्स गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता लगाना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला मैंने लिखा है। तो अपन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे और एग्जाम में काम कैसे करना चाहिए इसको ध्यान से देखिए। इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट जीरो इज लेट अल्फा इज माइनस वन एंड सेकेंड जीरो इज बीटा प्लस टू, अल्फा इज माइनस वन एंड बीटा इज प्लस टू, देन सम ऑफ द जीरो। तो अपन सबसे पहले फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा एंड आफ्टर दैट अल्फा इंटू बीटा, दोनों फाइंड करेंगे। तो देखो, इसको आगे सॉल्व करते हैं,
alpha is minus 1 and beta is equal to plus 2, then what is alpha plus beta? That means अपन पहले find कर रहे हैं sum of the roots, alpha plus beta, minus 1 and plus 2, that is plus 1. तो अपन को जो given zeros थे, उससे alpha plus beta, that means sum of the roots, plus 1 अपने को मिला. अब अपन इस formula का second part, alpha into beta. Alpha into beta is equal to alpha is minus 1 and beta is 2. यहाँ पे हमेशा ब्रैकेट यूज करना चाहिए. जब भी आप प्रोडक्ट फाइंड करते हो और नेगेटिव साइन होता है तो उसमें ब्रैकेट यूज कीजिए. तो यहां से आपके पास में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू नेगेटिव 2 मिला. तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, सम ऑफ द रूट्स इज प्लस 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज नेगेटिव 2. अब बस इन दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में आपको रखना है, आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा. तो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं अपन. एक्स स्क्वायर, इसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहा हूं मैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे, नेगेटिव 2 है, दैट इज नेगेटिव 2 एंड इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर ये नेगेटिव इस पॉजिटिव 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो नेगेटिव 1 आएगा, और नेगेटिव 1 अगेन एक्स को मल्टीप्लाई करेगा तो नेगेटिव एक्स आएगा. 1 इसका कोफिशियंट है एक्स का. जनरली 1 कोफिशियंट को आप यहां पे लिखते नहीं है, बट जिस टर्म्स के साथ में कोई कोफिशियंट नहीं होता है वहां पे 1 कोफिशियंट एज्यूम कर सकते हैं. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये पॉजिटिव नेगेटिव 2 को मल्टीप्लाई करेगा, नेगेटिव 2 इज 0. तो देयर फोर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज 0, विच जीरोज आर नेगेटिव 1 एंड 2. तो देखो इसको फिर से समझ लेते हैं. अपन आज पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हेन द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन व्हाट फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 0. दिस इज द फॉर्मूला टू कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द जीरोज आर गिवन. इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0. तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अल्फा इज नेगेटिव 1 एंड बीटा इज पॉजिटिव 2. ये अपने को वैल्यूज गिवन थे, सम ऑफ रूट्स अपन ने निकाल दिया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल दिया. जब दोनों वैल्यू आ जाती है तो दोनों को सीधे इस फॉर्मूले में रख दीजिए. थोड़ा ध्यान रखिए फॉर्मूले के यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है. वेरिएबल जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगी, दैट मीन्स स्क्वायर फॉर्म में होगी, वो वेरिएबल यहाँ पे 1 पावर के साथ में रहेगी, मल्टीप्लायर रहेगी सम ऑफ द जीरोज के, एंड लास्ट सम इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो. तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख दिया जिससे आपको इक्वेशन मिल जाती है. डियर स्टूडेंट, एक और एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से किया जाता है जब उसके जीरोज गिवन होते हैं. तो देखो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं. सपोज आपका क्वेश्चन है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच जीरोज आर टू प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3. अपने को एक क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका फर्स्ट जीरो 2 प्लस रूट 3, दैट मीन्स अल्फा इज 2 प्लस रूट 3 एंड बीटा इज 2 माइनस रूट 3. दिस टाइप ऑफ रूट नोन एज इरेशनल रूट. रूट के अंदर ऐसा नंबर है जिसका अंडर रूट पूरा पूरा फाइंड नहीं किया जा सकता, प्लस माइनस में लगा हुआ है, मल्टीप्लाई में लगा हुआ है रूट के अंदर वैल्यू ऐसा, तो उनको इरेशनल रूट कहा जाता है. दैट मीन्स अपने को जो जीरोज गिवन है वो इरेशनल जीरोज गिवन है. इरेशनल जीरोज जो होते हैं वो कॉन्जुगेट होते हैं. कॉन्जुगेट मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, फर्स्ट नेगेटिव होगा तो सेकेंड वन पॉजिटिव होगा. इनको कॉन्जुगेट रूट्स भी कहते हैं या इरेशनल रूट्स भी कहते हैं. तो अब अपने को जो जीरोज गिवन है वो इरेशनल है, 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, और अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंस्ट्रक्शन करना है. तो इन दोनों से कंस्ट्रक्शन करने के लिए
उसी फॉर्मूले से सबसे पहले अपन इसका फॉर्मूला लिखेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू जीरो. इस फॉर्मूले को हमेशा दोनों सेंस में लिखना चाहिए जिससे फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न हो सके, अच्छे से याद हो सके. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को आप लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दीजिए. अब आपको गिवन रूट्स है 2 प्लस रूट थ्री एंड 2 माइनस रूट थ्री. तो रूट्स को अपन अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो सबसे पहले अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री एंड बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री. अब अपने को अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है. तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने के लिए यहाँ पे अपन सम फाइंड कर देते हैं. अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिलेशन हो जाएगा, प्लस रूट थ्री से नेगेटिव रूट थ्री एंड टू एंड टू प्रोड्यूस फोर. तो अल्फा प्लस बीटा इज फोर हियर, दैट मीन सम ऑफ द रूट्स इज फोर. अब अपने को फाइंड करना है अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट. तो फर्स्ट रूट इज 2 प्लस रूट थ्री एंड अनदर रूट इज 2 माइनस रूट थ्री. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको फाइंड करना है. तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप इसको ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप यहाँ पे आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है 2 प्लस रूट थ्री एंड 2 माइनस रूट थ्री, दैट मीन्स ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी. तो देखो एक आइडेंटिटी होती है कि ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो अपन इसी आइडेंटिटी को यूज करके इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे. 2 प्लस रूट थ्री एंड 2 माइनस रूट थ्री इज ए स्क्वायर, ए की जगह पे 2 है तो 2 स्क्वायर एंड बी इज रूट थ्री देन रूट थ्री स्क्वायर. 2 स्क्वायर इज 4 एंड रूट एंड स्क्वायर कैंसल आउट देन 3 हियर एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस 1. तो आपके पास में जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ गए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है. अब आप इन फॉर्मूले के अंदर सीधे प्रोडक्ट और सम का वैल्यू सीधे इस फॉर्मूले में रख देंगे तो जिससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंस्ट्रक्शन हो जाता है. तो देयरफॉर क्यू ई दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू द जीरो 2 प्लस रूट थ्री एंड 2 माइनस रूट थ्री. एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज 4 मल्टीप्लाई बाय द वेरिएबल एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड इज रिटर्न एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 0. दैट्स योर रिक्वायर्ड इक्वेशन. तो इस तरह से देखो दो एग्जांपल अपन ने किए जिसमें रूट्स गिवन होते हैं और उससे इक्वेशन का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है. पहले सम फाइंड किया जाता है, फिर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और सीधे ही फॉर्मूले में वैल्यू रख दी जाती है. तो उससे आपको जो गिवन जीरोज है उससे रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंस्ट्रक्शन हो जाता है. ओके, अब आपको अच्छे से इसको देख सकते. थैंक्स.